दोस्तों ये है यमहा की मोस्ट स्टाइलिश स्कूटर यमहा रेज ज़ेडआर BS6 2020 यानी कि 2020 मॉडल। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यमहा कंपनी ने इस स्कूटर के लुक में बहुत ज़्यादा काम किया है, ये पूरी लुक वाइज चेंज हो चुकी है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ये जो नया मॉडल है रेज ज़ेडआर का, ये कैसा लग रहा है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रेज ज़ेडआर के दो वेरिएंट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला होगा डिस्क ब्रेक के साथ और दूसरा होगा ड्रम ब्रेक के साथ। यानी अगर आप आगे डिस्क लेते हैं तो उसके साथ प्राइस भी बढ़ जाएगी, प्लस कुछ फीचर्स भी बढ़ जाएंगे जैसे कि मीटर कंसोल को लेके, क्योंकि जो डिस्क वेरिएंट है इसमें आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा और जो इसका ड्रम वेरिएंट होगा उसमें आपको एनालॉग मीटर कंसोल मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा ऑन रोड प्राइस के साथ। तो आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों ये जो कलर आप देख रहे हैं ये सियान ब्लू कलर है, काफ़ी खूबसूरत कलर इसे माना जाता है और स्कूटर्स में ये कलर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फेमस होता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे जो आपको डिस्क मिलता है इसकी साइज़ 190 mm रखी गई है, यानी 190 mm का छोटा सा डिस्क आपको मिल जाता है। अगर आप डिस्क की जगह ड्रम ब्रेक लेंगे तो आगे और पीछे दोनों तरफ आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। जो फ्रंट का आप टायर देख रहे हैं ये टायर 12 इंच का रखा गया है, 12 इंच का टायर है। और इसके साइज़ की मैं बात करूँ तो ये लगभग आपको 90x90 यानी कि 90x90 का देखने को मिलेगा। और ये इसका सस्पेंशन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन इसमें देखने को मिलता है। और ये आप देख पा रहे होंगे UBS यानी कि कंट्रोलिंग अच्छी रखने के लिए इसमें ब्रेक में UBS यानी यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी दे रखी है। अगर आप पिछला ब्रेक लगाते हैं तो अगला ब्रेक साथ में लगेगा। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम लगभग सभी स्कूटर और सभी बाइकों में आजकल दिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे यमहा रेज ज़ेडआर में आपको कंटिन्यू करी गई है। यहाँ पे देखिए इसका मेन हेडलाइट आपको यहाँ पे LED तो नहीं मिलता, लेकिन आपको 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हो गई इसकी। अब यहाँ पे देखिए नंबर प्लेट होल्डर आपको मिलता है, यमहा की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसके बाद हम आने वाले हैं इसके साइड इंडिकेटर पे। तो ये है इसके साइड इंडिकेटर जो कि आपको नॉर्मल लुक में सेमी फ्लेक्सिबल देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इसके मोस्ट अट्रैक्टिव चीज जो है यहाँ पे आपका LED पोजीशन लैंप। आप देखेंगे तो टी शेप में ये LED पोजीशन लैंप है। जैसे ही आप अपने स्कूटर को स्टार्ट करते हैं, मैं स्टार्ट उस स्टार्ट की बात नहीं कर रहा जिसमें आप सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आप की लगा के ऑन करते हैं जैसे अपने स्कूटर को, वैसे ही ये लैंप जलने लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, यकीन मानिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लू कलर में आपको विंडशील्ड, मतलब है ब्लैक कलर लेकिन जो इसका विजिबिलिटी होती है जैसे आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो ब्लू कलर की है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर जो इसके साइड मिरर अभी आपने देखे ये आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हैंडल बार की बात करूँ तो ये देखिए आपको लो बीम हाई बीम स्विच आपको मिल जाता है, नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच और उसके नीचे आपको हॉर्न प्रोवाइड किया जाता है। तो ये लेफ्ट हैंडल बार की बात होगी। यहाँ पे राइट हैंडल बार पे आप देखेंगे तो आपको दो स्विचेस मिलते हैं जिसमें से एक स्विच से आप अपने स्कूटर को ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको सेल्फ और किक दोनों की सुविधा उपलब्ध है, तो ये मुझे अच्छा लगा कि अगर आपके सेल्फ में कभी प्रॉब्लम आएगी तो आप किक का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद देखिए इसका मीटर कंसोल जो कि आपको डिजिटली मिलता है देखने को, एनालॉग वाला बहुत छोटा सा कंसोल दिया गया है जिसमें सिर्फ इंडिकेटर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन जो इसका डिजिटल कंसोल है इसमें आपको ऑटोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। ट्रिप मीटर को रीसेट करने के लिए आपको बगल में ब्लैक कलर की स्विच आप देख पा रहे होंगे, आपको एक बटन मिल जाती है, आप उससे जो है रीसेट कर पाएंगे। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि जो अगर आप इसका ड्रम वेरिएंट लेते हैं जो कि इससे लगभग आपको जो है 3 से 4 हज़ार रुपये सस्ता मिलेगा, उसमें आपको ये डिजिटल मीटर कंसोल नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं इसके आगे विंडशील्ड की। तो यहाँ पे यमहा की बैजिंग के बाद ये है इसकी विंडशील्ड, मैं इसी की बात कर रहा था कि देखिए काफ़ी खूबसूरत लगती है, कंपनी ने प्रॉपरली अच्छा काम किया है इसके लुक को लेके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेज ज़ेडआर नया लुक आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए आपको मल्टी फंक्शन जो है की कंसोल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप इसके बहुत सारे यूजेस कर पाएंगे डायरेक्टली। और ये अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे भी आपको मिल जाता है,
और ये एक होल्डर है, एक हुक है जहाँ पे आप अपने सामान वगैरह कैरी कर पाएंगे। और अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो स्पेस इसमें काफ़ी सही मिल जाता है। सीटिंग कंफर्ट हमेशा की तरह स्कूटर्स की सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छी रखी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखिए रे जेडार की आपको जो है बैजिंग मिल जाती है, स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, और नीचे आपको जो है 125 जो है बड़े बड़े स्पोर्टी ग्राफिक में आपको देखने को मिलता है। नो डाउट काफ़ी अच्छा लुक लगता है साइड पैनल से देखने पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। अभी नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको जो है किक वगैरह की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैं थोड़ी सी इंजन की बात आपको बता दूँ तो इसमें आपको 4-stroke 2-valve एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। 125cc का इंजन इसमें लगा हुआ है। मैक्स पावर आपको 8.2 PS की मिलेगी और मैक्स टॉर्क आपको 9.7 Nm का मिलेगा, ठीक है। तो पावर और टॉर्क आपको अच्छी मिल रही है। ये है पीछे वाला सस्पेंशन जो अभी आप देख रहे हैं, ये आपको जो है यूनिट स्विंग आर्म के सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा। और ये पीछे की प्रोफाइल है, पीछे वाला टायर आप देखेंगे तो ये आपको 10 इंच का देखने को मिलेगा, जो कि 110/90 यानी 110/90 का आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि रेज रडार में जो आगे वाला टायर है वो 12 इंच का है और जो पीछे वाला टायर है वो 10 इंच का रखा गया है। तो अच्छी स्टेबिलिटी के लिए कंपनी ने इस चीज़ को किया है। और ये इसका स्ट्रॉन्ग ग्रैब रेल जो कि अट्रैक्टिव भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हो गई। और मैं आपको बता दूं कि ये है इसका सीट के नीचे का स्टोरेज जो कि लगभग आपको 21 लीटर का देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये अच्छा स्टोरेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। आप अपना हेलमेट वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे आसानी से कैरी कर पाएंगे। तो ये है 21 लीटर का इसका स्पेस। और यहाँ पर आपको मिलता है फ्यूल ओपनिंग, यहाँ से आप अपना फ्यूल फिलिंग करवा पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ मुझे अजीब लगी क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ जो है जो फ्यूल फिलिंग है वो एक्सटर्नल कर रही हैं, बाहर की तरफ कर रही हैं ताकि सीट वगैरह ना ओपन करना पड़े, लेकिन रेज रडार में अभी भी आपको सीट ओपन करनी पड़ेगी। तो अगर इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है रेज रडार के साथ काफ़ी अच्छे से जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका टेल लाइट, जो कि इसका डिज़ाइन मुझे स्कूटी या स्कूटर की तरह ना लग के बल्कि बाइक की तरह लग रहा है। आप बताइए कि आपको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो सच में बाइक की तरह इसका टेल लाइट देखने को मिला। और ये है इसके आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि सभी BS6 बाइक में आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलते हैं, और ये रिफ्लेक्टर सुरक्षा के मापन के हिसाब से काफ़ी सही माने जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे पीछे वाला टायर मैंने आपको बता ही दिया है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सपोर्ट है, UBS यानी यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम है, तो आपको ब्रेकिंग को लेके भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस स्कूटर के थोड़ा डायमेंशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो गौर से सुनिएगा। इसकी जो लेंथ है वो 1880 mm की है, इसकी जो हाइट है वो 1190 mm की है, इसका जो व्हील बेस है वो 1280 mm का है, और सीट हाइट इसकी 785 यानी कि 785 mm रखी गई है, और ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड्स के हिसाब से 145 रखा गया है, जो कि कम है, बट नो डाउट स्कूटर्स की लगभग जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसी के बराबर रखी जाती है। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गौर से सुनिएगा कि इसकी जो ड्रम वेरिएंट है वो अब लगभग आपको 71,000 का पड़ेगा एक्स शोरूम प्राइस प्रयागराज UP में, और इसका जो डिस्क वेरिएंट जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लगभग आपको पड़ेगी 74,000 के करीब यानी 74,000 के करीब, और कंप्लीट स्कूटर आपको 92,000-94,000 यानी कि 92,000 से 94,000 में ये कंप्लीट स्कूटर आपको डिस्क वेरिएंट देखने को मिलेगा। आप इसमें से 3,000 रुपये घटा दीजिएगा तो को इसका ड्रम मॉडल जो है मिल जाएगा कंप्लीटली। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी @DavidRahulGR पे आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।